नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस के एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सैमसंग के नए रेफ्रिजरेटर में जो कि टच पैनल का है, ये आप देख सकते हैं इसका टच पैनल, इसमें आप डी फ्रीज कैसे कर सकते हैं और उसके कुछ और फंक्शन के आप इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो डी फ्रीजर के बारे में हम आपको बता दें कि दोस्तों, ये आपको हफ्ते में एक दो बार तो करना ही चाहिए, कम से कम दो बार तो आपको करना ही चाहिए। नहीं तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि साइड में आपको शायद नज़र आ रहा होगा इसमें रोशनी कम है, तो इसमें कितनी बर्फ़ इसमें जम गई है, तो ऐसे इसमें हो जाता है। और फिर आगे चल के इतनी दिक्कत हो जाती है कि आप इसमें दरवाज़ा भी बंद होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको इसमें हफ्ते में कम से कम दो बार डी फ्रीज करना चाहिए, और ये आपको करना चाहिए रात को, क्योंकि इसको डी फ्रीज होने में काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि मैंने सुना था यूट्यूब पे वीडियो में कि भाई एक दो घंटे में हो जाता, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने रात को करके छोड़ा और सुबह तक भी वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ था। तो इसमें टाइम लगता है पूरी बर्फ़ पिघलने पे, डिपेंड ये भी करता है कि मौसम कैसा है, गर्मी का ज़्यादा है या ठंड का। तो अब आते हैं आज के मुद्दे पे। तो पहले हम इसके आपको फंक्शन बता देते हैं, इससे आप इसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग जैसा वेदर है उसके अनुसार। तो और इसमें ये इको मोड है, इसको आप 3-4 सेकंड तक दबाए रखोगे तो इसमें ये अपने आप इको मोड में चला जाता है, जिसमें आपकी ये बिजली और ज़्यादा कम खर्च करता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसमें क्लैरिटी आ नहीं रही है अच्छी तरह। तो इसमें 163 यूनिट पर ईयर ये यूज़ करता है, और 3 स्टार ये रेफ्रिजरेटर है। और हमें इसे लिए करीब 2 हफ्ता हो चुका है और इसकी परफॉर्मेंस बताए तो बहुत ही अच्छी है, और वैसे भी ये बहुत लाइट वेट है। अब इसका डीप फ्रीज करने का फंक्शन क्या है, ये जो बीच में इसमें बटन आप इसमें देख पाओगे, इसको आप 3 सेकंड तक दबाए रखोगे, उसके बाद ये इसमें डी फ्रीज ऑन हो जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि नॉर्मली फ्रिज में ये होता है कि जब तक वो डी फ्रीज नहीं हो जाता उसका जो बटन है वो बाहर नहीं आता, पर इसमें अगर अचानक आपको, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट घर पे आ गया और आपको आपको अपना फ्रीजर ज़रूरी है कि भाई उसको ऑन करना, तो उसका डी फ्रीजर आप इधर से बंद कर सकते हैं, उसी तरह से थोड़ी देर दबाए रखोगे और ये बंद हो जाएगा। और फिर इसका जो पानी है वो इसमें पीछे बकेट में हो जाता है इकट्ठा, उधर से आप इसको फेंक सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया अपने नई रेफ्रिजरेटर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में पूछिए, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।